और ये पहले आपका यहाँ इस तरीके के फायर इक्विपमेंट नहीं थे। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है कि जैसे आपके यहाँ आईसीयू में इक्विपमेंट लगा कि नहीं लगा, आईसीयू में लगा है इस तरीके का? लगा लगा है, लगा है। आग के लिए तीन चीजें आवश्यक होती हैं, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और फ्यूल। और इसमें से एक चीज का भी संपर्क खत्म हो गया, आग बुझ गई, आप समाप्त हो गई। जैसे त्रिभुज की तीन भुजाएं और एक भुजा को हमने काट दिया तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा, इसी तरीके से ट्रायंगल ऑफ फायर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड फ्यूल, तो एक भुजा गायब की तो वो आग नहीं कहलाएगी, बुझ जाएगी। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसको बोलते हैं CO2 टाइप, और CO2 टाइप कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाएगी वहां से ऑक्सीजन गायब हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। अब आग जल रही है, उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर खत्म, आग बुझ गई। तीसरी चीज, हमारी तीन चार मेज रखी हुई है, एक मेज में आग लगी, हमारे पास कोई साधन नहीं, तो हमने क्या किया कि तीन मेजों को साइड से हटा के अलग कर दिया, आग केवल एक मेज तक सीमित रही, क्योंकि आग को भोजन मिलना बंद हो गया, फ्यूल मिलना बंद हो गया और आग ऑटोमेटिक जल के बुझ जाएगी। तीनों सिद्धांत हो गए। अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसको CO2 टाइप सिलेंडर बोलते हैं, और ये होता है ABC मल्टीपर्पज। इसमें मोनो अमोनियम फास्फेट पाउडर होता है और नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस का केवल इतना काम होता है कि वो मोनो अमोनियम फास्फेट पाउडर को प्रेशर से बाहर निकालने का काम करता ही करती है, और कोई नाइट्रोजन गैस का काम नहीं है। एक निवेदन मैं आपसे अवश्य करूंगा कि चाहे वार्ड हो आपका, या आईसीयू हो, या ओटी हो, इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी आपके बोर्ड में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, वहां आपका पेशेंट मौजूद है, वो आपने सिलेंडर को चला दिया छोटे वाले को, ABC वाले को, तो क्या हो सकता है कि जैसे ही ये सिलेंडर चलेगा तो धुआं धुआं टाइप का, वो धूल धूल टाइप की हो जाएगी। उस स्थिति में अगर मरीज को थोड़ा भी होश है तो वो मरीज की जान को खतरा भी वहाँ हो सकता है, तो मरीज कहेगा क्या हो गया क्या हो गया। तो ऐसी स्थिति में बड़ा इवैक्यूएशन कराए, आप इस सिलेंडर को कभी भी यूज मत करना, उस स्थिति में आप इसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें से CO2 गैस ही निकलेगी। लेकिन जैसे ही आपने इसको बिना मरीज को वहां से वो किया तो उसमें मरीज की जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हर फ्लोर पर ये CO2 पैक सिलेंडर होंगे, उन CO2 पैक सिलेंडर का यूज करके आप छोटी मोटी चिंगारी को समाप्त कर सकते हैं, कर तभी सकते हैं जब इनके ऑपरेशन का सिस्टम आप जानेंगे। अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है CO2 पैक, ये इसकी सेफ्टी सील होती है, इस सेफ्टी सील को हमने तोड़ दिया, घुमा के इसको तोड़ दिया, और है कि नहीं तुम्हारे सिलेंडर? हाँ, कर दो, आप कर दो। ये किया, इसको ले जाने का तरीका बहुत आसान, ये लिया हमने, इसको जमीन पर रखा, और जमीन पर रखने के बाद इस हैंडल को जरूर यहाँ से पकड़ लेना, क्योंकि जैसे इसमें से CO2 गैस निकलेगी तो प्रेशर नहीं, ये एकदम ठंडा हो जाएगा और उससे आपको कोल्ड बर्न होने का खतरा होगा। उच्च फायर एक्सटिंग्विशर में जो डिस्चार्ज हॉर्न है इसके ऊपर एक डबल बैंडेज आता है, लाइफ पैड वगैरह का जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें आप आराम से पकड़ सकते हैं, ये सिंगल बैंडेज है, सिंगल लेयर है इसकी। तो आपने रखा, और रखने के बाद इसको इतना खोलना है कि वो एकदम तेज प्रेशर से नहीं खोलना है,
जैसे ही आपको तेज प्रेशर से एकदम खोल दिया तो क्या होगा, इसमें से बर्फ टाइप की निकलेगी। तो हमें धीरे धीरे खोलना है इसको, और धीरे धीरे जैसे खोलेंगे तो इसमें आवाज भी होगी एकदम। देखो जरा पकड़ो, ऐसा लग रहा है ऐसे, अगर ज्यादा तेज चल गया और आपने इसको पकड़ लिया आपके हाथ को जला देगा। डरना बिल्कुल नहीं है, आप थोड़ा डर रही है, अगर हवा पे आ गया, आप आ गया, आप आ गए, इसको पकड़ चलाओ। नहीं, हमने ये बताया ये हमको लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ना है। और इसको इधर आ जाओ, साइड में इधर आ जाओ, इधर लोग थोड़ा साइड में आ जाओ। इसको हमको टारगेट कहाँ करना है बेटा, इसको थोड़ा टेबल को उधर कर लो, इधर से उठाओ थोड़ा सा आराम से, इसको उठाओ आप, उठा चलो बोलो, बोलो अब जो आपका पहले डर था वो धीरे से कम हुआ ना, आपको भी दिक्कत आया तो यूज कर लेंगे, सही बताओ प्रॉमिस। देखो एक वो है कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। जब तक हम किसी चीज से जितना दूर भागेंगे, किसी काम करने को सीखने की बजाय अगर उससे दूर भागेंगे तो वो हमसे भी दूर भागेगा। सब ने यही जीवन लिया और जीवन लेने के बाद हर चीज को यही सीखा, तो जो हमारे जीवन के लिए दूसरों के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू फायर सेफ्टी इवैक्यूएशन ड्रिल अर्थक्वेक ड्रिल ये पहलू है जीवन के लिए, तो इन पे विचार करना और इसकी एक ड्रिल। नमस्कार, हम लोग फायर डिपार्टमेंट से जो आपके मध्य उपस्थित हुए हैं एक फायर मॉकड्रिल कराने के लिए। पहले भी मैंने यहाँ आकर के मॉकड्रिल कराई है, उस मेरे मॉकड्रिल के प्रोग्राम में कितने लोग सम्मिलित हैं, कितने प्रोग्राम आपको कोई नहीं था, देख रहे इस मॉकड्रिल का, इस मॉकड्रिल का कराने के लिए एक पहलू होता है तो आप लोग उस संबंध में जागरूक हो, क्यों जहां आप वर्क करते हैं उस वर्क में आपके कन्नों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्यों जो बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में कार्यरत कर्मी अपने हाथ पैर से स्वस्थ होते हैं और आग लगने या अर्थक्वेक की घटना घटित होने पर
स्वयं वो अपने हाथ पैर से चल के बाहर निकल जाते हैं और सेफ हो जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ परिस्थिति किसी है कि जो व्यक्ति आपके यहाँ उपचार कराने के लिए आया या आईसीयू में भर्ती हुआ या ऑपरेशन हुआ, तो वो हाथ पैरों से तो सक्षम है नहीं जो उठ के वहां बाहर चला जाओ। उस स्थिति में विगत 5-6 महीने में और एनसीआर में 5-6 झटके भूकंप के महसूस किए गए और भूकंप की घटना में हॉस्पिटल में कार्य करने वाले कर्मियों, मैनेजमेंट स्टाफ जो भी संबंधित हैं, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और वो जिम्मेवारी का निर्वहन तभी हो सकता है जब उसकी तैयारी पहले से की जाए। अगर हमारी कोई तैयारी नहीं होगी तो उस स्थिति में किसी आदमी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। तो मैं आहूजा जी या संबंधित जो हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि जो भी आपकी टीम है उसकी एक आप लिस्ट बनाएं और लिस्ट बनाने के बाद उनको उनका वर्क समझाएं कि आपको उस स्थिति में करना क्या है। नहीं तो कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, कुछ वर्क नहीं हो सकता। क्योंकि उस स्थिति में आपको भी बचना है और आपको अपने बचाव के साथ पेशेंटों को भी बताना है, तो जिम्मेवारी कितनी हो गई? दो। उन से ट्यूबलाइटों से भी सुरक्षा करनी है पेशेंट की, क्योंकि ट्यूबलाइट भी गिर करके पेशेंट के ऊपर ही गिरेगा। पंखा वगैरह जो होते हैं उनसे भी साइड में रहने, आपके यहाँ तो वो होगा एसी वगैरह लगा होगा, ठीक है। अब गर्मी का सीजन आ रहा है आहूजा साहब, वो भी आपके एसी की रिपेयरिंग होनी होती है, उसका एसी की रिपेयरिंग आपको नियमित तौर पर सही समय पर करनी है। क्यों? कि हॉस्पिटलों में तो इंसिडेंट होता है, फायर इंसिडेंट होती है। हमारा सबसे ज्यादा जोर इस चीज पर रहना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए आया, वो तो कोई भी इमरजेंसी अगर घटना घटित होती है तो वो हमारे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकले। सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये है। और वो काम कब हो सकता है? जब सबका आपसी सहयोग होगा। एक व्यक्ति इस हॉस्पिटल को संचालित कर सकता है? उसके लिए आप सभी लोगों की आवश्यकता है। उसी विपत्त परिस्थिति में आपके सहयोग के सहयोग की आवश्यकता होगी और आपका यह नैतिक कर्तव्य भी होगा कि आप उस स्थिति में सभी एकजुट होकर के सहयोग करें। क्योंकि ये क्या है, इसको थप्पड़ मारेंगे तो धीरे लगेगा ना, इसको ऐसे मारेंगे तो कैसा लगेगा, तेज लगेगा। तो ये ही सिस्टम है, एकता में शक्ति होती है। तो उसके लिए मैंने आपको 5-6 जो टीमें हैं उनका वर्क समझाया, कैसे इवैक्यूएशन कराना है, क्या आपको करना है। तो हर आदमी वो भी आपका परमानेंट स्टाफ है, उसको ये जान। सभी ने देखा है कितने लोग चले, उसको चलाने का तरीका जानते हैं। इसमें लिखा होगा और एक शब्द और जोड़ा गया है, मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज का मतलब है कि ये पांचों आग का काम कर सकता है। इसमें जो लिखा होगा हमारे में
ये बी सी लिखा होगा, बी सी लिखा है, बी सी है। और ये इलेक्ट्रिक सिटी के लिए भी है। तो ये तीन तरह, और ये हमारा 500 तरह की आग का काम करेगा। इसको जो तलाने का तरीका है, ये हमारी सेफ्टी पिन होती है, इसको तोड़ दिया, ये निकल गई। निकलने के बाद इसको उतारने से पहले एक काम और हमें करना है, ये जो हमारा प्रेशर गेज है, ये जो प्रेशर गेज है, इसकी जो सुई अगर हरे स्थान पर तो है तो सिलेंडर हमारा काम करेगा, तो अगर ये रेड स्थान पर है लेफ्ट साइड में तो ये सिलेंडर हमारा काम नहीं करेगा। तो हमें ऐसे सिलेंडर को उतारने की आवश्यकता नहीं है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्यों कि आग लगने पर एक एक सेकंड का समय हमारा पीक होता है। भैया ये सिलेंडर आपके सही नहीं करेंगे। अब ये सिलेंडर हमने लिया, इसकी सील तोड़ दी। सील तोड़ने के बाद इसको ले जाने का बहुत आसान तरीका है, ये ऊपर वाले हैंडल के साइड में आप ये रखिए, आराम से लेके चले जाओ, और जहाँ से आग उत्पन्न हो रही है वहां से आप जितनी दूरी से सुरक्षित हैं वहां खड़े हो जाइए। ये डायरेक्शन होगा, और इसको पुश करना है नीचे की तरफ, प्रेशराइज करना है। जैसे इसको प्रेशराइज करेंगे तो इसमें से मोनोअमोनियम फॉस्फेट पाउडर निकलेगा और आग बुझ जाएगी। इसको लिया, जमीन पर रखा, ये मोड़ा, ये पैर हमारा, ये इसके कान खींचे और आगे बढ़ते गए। ये क्या हुआ, इसमें खटका हुआ ना, जब तक खटका नहीं होगा तो ये सही से फिट नहीं होगा। और इसको भी अगर हम हाइड्रेंट उसमें बाल में फिट करेंगे तो ये भी खटका होगा, बिना खटके तो ये फिट नहीं होगा। चलो ये ले जाओ। क्या ये दो है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की जो घटना घटित होती है उसका एक प्रमुख कारण होता है कि हमने 30 वर्ष पहले या 30 वर्ष पहले मकान का निर्माण कराया, उस समय के लोड में और आज के लोड में फ्लक्चुएशन हुआ, वो बढ़ा, लेकिन हमने कभी अपने इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट नहीं कराया, इसी वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की घटनाएं घटित होती है। 30 वर्ष पहले किसी के मेरे साथ में हो सकता है गिने चुने ऐसी होंगे, नहीं होंगे। पहले एक लगा, फिर दो लगे, बच्चों की शादियां हो गई तो दो और बढ़ गए, फिर किराएदार आ गए, दो और बढ़ गए। तो इस तरीके से जो फ्लक्चुएशन हुआ, लोड बढ़ा, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। तो मेरा यहाँ उपस्थित सभी लोगों से एक अनुरोध है कि अपने मकान जिनका निर्माण विगत 10-15-20 वर्ष पहले हुआ है, बढ़िया इलेक्ट्रिशियन से, इलेक्ट्रिकल से अपना ऑडिट करा लें कि जो हमारी वायरिंग है वही सही है, या इसमें वायरिंग का लोड जो और उसकी हैवी वाली वायरिंग पड़ेगी। दूसरे नंबर पर एलपीजी गैस सिलेंडर की घटना है, उस एलपीजी गैस सिलेंडर की घटना के लिए भी स्वयं लोग हम लोग जिम्मेदार हैं, क्यों कि आजकल जिंदगी भागम भाग हो गई, अपने और अपने परिवार के जीवन के लिए हम लोग 5 मिनट का भी समय नहीं निकालते, और 20वीं बार में जाके जला तो क्या होगा, एक जितने बीच में गैस फैली होगी उतने बीच में एकदम आग जलेगी, और उस आग की हद में आपके कपड़े होंगे और आपके जीवन को खतरा होगा।
तो आप ये बांस लगा लो कि 100-150 रुपए का लाइटर आता है, ये खराब हो या न हो इस गेट को हमेशा उठा के फेंकना ही। इतना क्लियर हुआ? एक दर्द विदारक घटना अभी पिछले महीने फरवरी के महीने में हुई, या सिकंदरा के पास में हर घर में आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह हो या कोई और प्रोग्राम, उसके लिए 2 मिनट का समय वो लूंगा, उस पर विशेष ध्यान देना आप लोग, क्योंकि 11-12 साल इस फायर स्टेशन पर खड़े हुए हुए यहाँ जनहानि कभी नहीं हुई। आग लगी बहुत बड़ी बड़ी लेकिन जनहानि नहीं हुई, और आग लगी बहुत छोटी, और छोटी सी आग में 1 मिनट में 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। उसका कारण जो हलवाई लोग होते हैं, जो प्रोग्रामों में काम करने आते हैं, ये सबसे पहले पीते हैं पौआ। एक बहुत अच्छा टॉपिक बता रहा हूँ भाई, मेरा सब लोग ध्यान दे देना। तो वहां पर क्या हुआ कि सगाई का प्रोग्राम था, एक गैस भट्टी जल रही थी, दूसरा सिलेंडर पे 2 गैस भट्टी और उसने लगाई, और जो इनका रेगुलेटर होता है वो जुगाड़ होती है इनकी, कोई सर्टिफाइड नहीं होता। उन्होंने क्या किया, किसी हलवाई बंधु ने, कि उसकी चूड़ी टाइट करता गया, टाइट करता, लाके जी ये बात सुनने को नहीं मिलेगी दोबारा, वो चूड़ी टाइट करता गया और ज्यादा चूड़ी टाइट कर दी, वो सिलेंडर की जो एडवेंचर होता है उसके अंदर जो गजन पिन होती है, वो गजन पिन टूट के उस सिलेंडर में अंदर चली गई। जब सिलेंडर में अंदर गई तो उसका प्रेशर कैसे रुकेगा, रेगुलेटर को उसने हवा में उड़ा दिया और वो सिलेंडर एक साइड में गिर गया। जैसे ही सिलेंडर एक साइड में गिरा और उससे गैस का जो ये आवाज थी गैस की, तो दूसरी भट्टी से एकदम आग वहां पकड़ ली। उसके सामने 2 महिलाएं सब्जी काट रही, 2 महिलाओं की 1 मिनट में मृत्यु, 1 मिनट भी नहीं लगी। अहुजा साहब, किसी फैक्ट्री में मैंने मॉकड्रिल कराई थी, एक लड़का मेरी ट्रेनिंग से प्रभावित हुआ और उस लड़के ने जाकर के तत्काल आग को बुझा दिया, बुझाने के बाद उस सिलेंडर को भी मिट्टी और रेत बालू से ढक दिया। क्यों कि इसमें एलपीजी गैस, आप कभी विचार करना कि हमारी नोब में से गैस निकली, यहां से जलेगी वो, यहां से 3 इंची का गैप होगा, इसमें 3 इंची में क्या मिल रहा है, तो वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में चेंज हो रही है और उसको ऑक्सीजन मिल रही है, और यहीं से इस गैप में से आपने काट दी ऑक्सीजन तो वो आग वहीं बुझ जाएगी। जैसे आपके चूल्हे में अंदर नीचे की साइड में बर्नर होते हैं, देखे हैं नीचे कटे हुए, उन बर्नरों को आप कभी बंद करके देख लेना और फिर आग जलाना, उसमें आग जली नहीं सकती क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन उन बर्नरों से मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा कोई कार्यक्रम होता है तो हलवाइयों पर अपनी विशेष नजर रखें और आराम से काम करने की सलाह करें, और ये भी देख लें कि ये ज्यादा नशेबाज तो नहीं है। तो बचाव ही उपचार है, बचाव ही इलाज है। मैंने आप लोगों के मध्य कुछ जानकारियां साझा की, क्या मैं ये समझूं कि कुछ थोड़ा सा आप लोगों की समझ में आया कि नहीं? तो अगर आप लोगों की समझ में आया, आप लोग उस पर और एक ग्रुप में डिस्कशन करें, और डिस्कशन करने के बाद अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो ऊर्जा सर के पास मेरा नंबर है, अभी भी कोई भी आदमी कभी भी डिस्कशन कर, ठीक है? धन्यवाद, आप लोगों ने सुना हमें।